वर्तमान में चल रहे पंचायती चुनाव के दौरान सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष बाइक रैली का शुभारंभ किया गया, जिससे सभी मतदाताओं को जागरूक करते हुए मतदाता पहचान पत्र संबंधी जानकारी दी गई और मतदान का महत्व समझाया गया। इस दौरान बाइक रैली कलेक्ट्रेट परिसर होते हुए विकास भवन चौराहा, छात्र संघ, पैडलेगंज, मोहद्दीपुर, यूनिवर्सिटी चौराहा, पंत पार्क में जाकर सम्पन्न हुई। बाइक रैली में निर्वाचन विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं भारी संख्या में जनसेवा केंद्र सीएससी संचालक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा। आज गोरखपुर जनपद में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत बाइक रैली का शुभारंभ किया जा रहा है। आज मतदाता जागरूकता अभियान के लिए मोटरसाइकिल की एक रैली निकाली गई है और उस रैली में खास तौर से फॉर्म 6 भरने के लिए, जिससे नाम अगर किसी का छूट गया है वो अपनी मतदाता सूची में नाम बढ़ा सकता है, और फॉर्म 7 भरकर कोई मतदाता अगर यहाँ से विस्थापित हो गया है अथवा उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसे मतदाताओं का नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरवा सकता है, और किसी प्रकार से नाम में, उम्र में, सेक्स में, किसी प्रकार से पते में कोई अंतर या गड़बड़ी अंकित है हमारे मतदाता सूची में तो फॉर्म 8 भर के उसको संशोधित करा सकता है, और भागों का परिवर्तन कराना चाहता है, एक भाग से दूसरी भाग संख्या में जाना चाहता है तो भी अपना परिवर्तन 8 का के माध्यम से करा सकता है। इसकी जागरूकता के लिए ये रैली निकाली गई है। ये हर गली कूचे में जाके इस बात का प्रचार करेगी कि आप लोग अभी संशोधन, नाम बढ़ाना घटाना जो भी है करवाने का कस करें। सर, इसके लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है? समय सीमा इसकी कोई निर्धारित नहीं है। अभी 15 जनवरी को मूल रूप से प्रकाशित की जाने वाली है, उससे पहले ये मौका दिया जा रहा है कि आप लोग जल्दी से ये काम करा लें।